अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन रेशा पकोड़ा की रेसिपी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अब मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बेसन 200 ग्राम, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, सोडा लिया है मीठा सोडा आधे चमची 1/4 स्पून, चिकन रेशा कर ली है मैंने 1 प्याली है ये तकरीबन, हरा धनिया आधी गड्डी लिया है और प्याज जो है मैंने एक दरमियानी साइज़ की ली है जो बारीक चॉप करके रखी हुई है। सबसे पहले हम बेसन गोल लेंगे, इसमें पिसी हुई मिर्चें, नमक और सोडा शामिल कर लेंगे और पानी आप उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा जितना ज़रूरत हो, जितनी थिकनेस आपको चाहिए। अब मैं इसमें हरा धनिया और प्याज ऐड करूंगी। साथ ही चिकन भी मैंने ऐड कर दी है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ऑयल पहले से गरम कर लिया था, अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। बहुत लजीज बनते हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार चिकन रेशा पकोड़ा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।